क्या आप भी 10 मिनट के अंदर में वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं? आज हम आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाएंगे कि वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है, और ये वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद आप किसी भी टाइप का प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हो। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपने जो स्टेप मिस किया हो और वही आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो। इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं। अब यहां पे आप देखोगे बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है, फिल्मोरा है, साइबरलिंक पावर डायरेक्टर है। तो ये जो भी है, जो आप देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, और इसमें सबसे ईजी है फिल्मोरा को यूज़ करना। तो फिल्मोरा आप जो है डाउनलोड कैसे करोगे फ्री में, वो पहले हम बता देते हैं। आपको जो है गूगल में जाना है, वहाँ पे फिल्मोरा लिखो। फिल्मोरा लिख के जैसे आप सर्च मारोगे, आपके पास जो है सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उसमें आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखो फ्री डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे फ्री में डाउनलोड करके आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद हम इसको खोलेंगे। जैसे ही हम खोलेंगे तो आपके पास जो है एक ऐसा इंटरफेस आएगा, और अब आपको जो है अपना वीडियो जो है इसमें आपको लाना पड़ेगा, और वीडियो लेके आपको उसमें एडिटिंग आपको करना पड़ेगा। तो देखो सबसे मैं इजी जितना भी इसमें जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप में आपको जितना इजी हो सके उसी इजी तरीका से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ऐसा ना हो कि आप जो चीज़ सीखना चाहते थे वही आपसे जो है वो स्किप हो जाए और आपको वो चीज़ आप बाद में सीख ना पाएँ। तो यहाँ पे देखो ये प्लस वाला ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप में जाऊँगा, और डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं कोई भी एक वीडियो ले लूँगा जिसमें मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। अब देखो ये वाला जो है वीडियो है, इसके ऊपर जो है मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे नीचे टाइमलाइन में लाना है। टाइमलाइन का मतलब होता है कि जहाँ पर आप जो है कट करोगे, ट्रिम करोगे, इफेक्ट लगाओगे, यानी जो भी चीज़ जो है, यानी काट छाट जो भी है, यहाँ पे सब आप करोगे सिंपल भाषा में। और यहाँ पे जो देख पा रहे हो यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप आउटपुट आप देखोगे, यानी जो मैं यहाँ पे करूँगा उसका आउटपुट आपको, फाइनलाइज आउटपुट आपको यहाँ पे आप देख पाओगे लाइव। तो आप इसको जो है यहाँ पे लाना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, या तो आप डायरेक्ट प्लस में क्लिक करके भी यहाँ पे ला सकते हो, या नहीं तो इसको जो है ड्रैग करके खींच के भी ला के यहाँ पे आप इसको जो है रख सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है प्लस में क्लिक करेंगे। जैसे प्लस में क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब आने के बाद देखो, अगर आप इसको चाहते हो कि अगर आपका मॉनिटर का जो स्क्रीन है वो छोटा है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा बड़ा उसको देखना है ताकि हर जो है मैं चीज़ अच्छे तरह मैं देख सकूँ, तो इसको एक बार क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे, ये अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको जितना चाहो आप जो है इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको बड़ा छोटा आप ये कर सकते हो। अब देखो, अब ये तो आ गया हमारा यहाँ पे वीडियो का फाइल हमारे टाइमलाइन में आ गया। और सबसे पहला बेसिक चीज़ हम सीखेंगे कि आप किसको ट्रिम कैसे करेंगे, आगे पीछे बीच में कैसे ट्रिम होता है। ध्यान से देखो, मान लो सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे इतना पार्ट जो है मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं कैंची वाला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो, इसमें मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं डिलीट वाले में क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं डिलीट वाले में क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ से ये चला गया। ठीक है, अब पीछे में जाके मैंने यहाँ पे मान लो मुझे इतना नहीं चाहिए, वापस मैं कैंची में क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो है डिलीट वाले ऑप्शन में क्लिक करके भी होगा, या फिर अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट प्रेस करोगे तो भी आपका डिलीट हो जाएगा। बहुत इजी है। बीच में कुछ मुझे मान लो बीच में कुछ गलत हो गया, या बीच में मुझे कुछ इसको जो है हटाना है, तो क्या करना है, वही सेम तरीका, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कैंची में क्लिक करूँगा, फिर बीच में ऐसे क्लिक करूँगा, यानी ये वाला पार्ट जो है मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। यानी देखो बीच वाला भी जो है चीज़ मेरा डिलीट हो गया, यानी कि सामने से भी डिलीट हो गया, पीछे से भी डिलीट हो गया, बीच से भी डिलीट हो गया। अब ये जो गैप है, इस गैप को हम फिल कैसे करेंगे? अब बीच में कुछ आप लगाना चाहते हो, दूसरा वीडियो कोई ऐड करना चाहते हो क्लिप, तो यहीं से लेके भी ऐड कर सकते हो, या इसी को जोड़ना है तो यहाँ पे आप जो है इसको ड्रैग करके भी जो है इसको जो है जोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो रिपल डिलीट, इसको क्लिक कर दोगे जुड़ जाएगा। सामने देखो इतना गैप है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखो रिपल डिलीट, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये जुड़ जाएगा। यानी आपने सीख लिया कि ट्रिम कैसे करते हैं, सामने पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी चाहो, तो इस तरीके से आप जो इजीली अपने वीडियो में कट लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप जो है अपने वीडियो में ट्रांजेक्शन कैसे आप जो है ऐड करेंगे। ट्रांजेक्शन आपने देखा होगा कि मान लो जैसे एक वीडियो से, एक क्लिप से दूसरे क्लिप में जब जाते हैं तो ट्रांजेक्शन ऐड होता है कि जिससे कि क्लिप हमारा अच्छा लगता है। मान लो जैसे कि यहाँ पर मैंने कट किया और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर कर दिया, मान लो ये दो अलग अलग जो है क्लिप है मेरा, ठीक है, इसको अलग अलग क्लिप है, इसको मैं फिर मैंने जोड़ दिया आपको दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे
कट है, ये एक अलग वीडियो है क्लिप है और ये एक अलग क्लिप है। अब ट्रांजेक्शन में ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं कोई भी एक आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ। तो इसको मैं जो भी आपको ट्रांजेक्शन पसंद है उसको यहाँ पे पकड़िए यहाँ पे और तो ड्रैग करके घसीट के नीचे ले आइए और यहाँ पे देखो यहाँ पे आप रख दीजिए इसको यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हल्का सा ध्यान से देखना यहाँ पे व्हाइट कलर का बॉक्स बन जा रहा है, इसको आपको छोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना। अब देखो अब यहाँ पे प्ले करके मैं दिखाऊंगा तो कैसा लगता है यहाँ पे। मान लो जैसे आपने देखा होगा ना वीडियो में कि जैसे टॉपिक वन टॉपिक टू बताते हैं, तो टॉपिक वन बता दिया टू बता दिया, अब इसके बाद जो है कुछ यह कट ले लिया बीच में, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप फिर से मान लो ये मुझे पसंद है तो इसको मैं ड्रैग करके लाऊंगा और उसको बीच में ऐसा करके बीच में इसको मैं रख दूंगा। अब फिर मैं प्ले करके आपको मैं दिखाता हूँ था जो इस तरह से काम हो गया। अब यहाँ पे जो आप जितने भी ये ट्रांजिशन इफेक्ट देख रहे हो ये सब आपका जो है जब सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करोगे तो पहले ही से ही मिलेगा, या फिर एक्स्ट्रा भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो जो है फिल्मोरा इफेक्ट पैक आता है वहाँ से भी आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इससे भी बेहतर बेहतर अच्छा अच्छा अलग अलग बहुत तरह का आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि क्या किस तरह से मान लीजिए आपका जो है वीडियो फुटेज है इसमें मुझे कुछ लिखना है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है या फिर कोई इमेज ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मान लो जैसे यहाँ पे मैं मीडिया में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मुझे इसके ऊपर मुझे जो है कुछ लिखना है, तो ऊपर में देखोगे ये टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, इस टाइटल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो जो भी आपके पास आपके जो है सॉफ्टवेयर में रहेगा तो हर चीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपको मनपसंद जो आपको जो लगे वो यहाँ से आप जो है चूज़ आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ से जो है मैं कोई भी एक जो है इफेक्ट में आपको मैं लिखे मैं दिखा देता हूँ। मान लो जैसे ये वाला है टाइटल, मुझे यहाँ पर टाइटल लिखना है, मान लो जैसे वीडियो का नाम लिखना है या मुझे अपना ही नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं ड्रैग किया, ड्रैग करके मैंने यहाँ पर रख दिया, मान लो मुझे यहाँ पर लगाना है इसको। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे अपना नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है आपको वीडियो में जो जरूरत हो, तो यहाँ पे मुझे जो है डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे जो है मैंने अपना नाम लिख दिया, तो यहाँ पे देखो नाम आ गया। अब नीचे में भी चेंज करना है तो यहाँ पे भी क्लिक किया डबल क्लिक, फिर यहाँ पे भी ऐसे किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसको जो है मैंने लिख तो दिया, अब मैं चाहूँ तो इसको मैं छोटा बड़ा कैसे भी कर सकता हूँ, इसको भी मैं चाहूँ तो छोटा बड़ा इस तरह से मैं जो है एडजस्ट कर सकता हूँ, या कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये तो आपने देख लिया कि अब किस तरह से जो है इसमें जो है आप जो है कोई भी टाइटल आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैं एक बार प्ले करके दिखा देता, ये आपका टाइटल आपका इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब इसके ऊपर मान लो कोई मुझे यहाँ पे कुछ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर दिखाना है या कुछ ऐसे शो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर में मीडिया देख रहा हूँ, मीडिया में क्लिक करो और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका जो है इम्पोर्ट वाला ऑप्शन आप देखोगे, इम्पोर्ट वाला ऑप्शन में मुझे क्लिक करना है और इम्पोर्ट मीडिया फाइल में मुझे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं इम्पोर्ट मीडिया फाइल में क्लिक करूँगा तो मैं आपने जो है कंप्यूटर के फोल्डर में चला जाऊंगा, यानी कि जो भी आपने डेस्कटॉप में फोल्डर रखा रखा रहेगा या सी ड्राइव ई ड्राइव जो भी रहेगा वहाँ पे आपका सब यहाँ पे चलाएगा। अब यहाँ पे चलाने के बाद मुझे कुछ जो है कुछ पिक्चर्स ऐड करने हैं, कुछ भी ऐड करने हैं, तो देखो मैं कुछ भी ऐड में करूँगा। तो मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे ये एरो है, या फिर एक चलो एक यूट्यूब ले लेते हैं और एक प्लीज सब्सक्राइब वाला ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई मुझे अगर यहाँ पे कोई मुझे फोटो ऐड करना है तो देखो ये फोटो है, यहाँ पे मैं ड्रैग करके लाया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसको। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको जो है यहाँ पे देखो इसको बड़ा छोटा करके मैं इसको कहीं भी रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैं आपको मैं चला कर मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं अपने वीडियो के ऊपर में कोई भी जिस तरह से हमने फोटो ऐड किया इस तरह से आप कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से जो आप अपने जो है वीडियो के पीछे बैकग्राउंड जो है म्यूजिक आप ऐड आप कर सकते हो। मान लो जैसे कि ये मेरा जो है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, मान लो आप बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा ना वीडियो में या टीवी सीरियल में बहुत सारे चीज में आपने देखा होगा कि कुछ बोला बोल रहा है लेकिन पीछे जो है एक म्यूजिक चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे इम्पोर्ट में क्लिक करना है, इम्पोर्ट मीडिया फाइल में जाना है और वापस अपने कंप्यूटर के जो है फोल्डर में चले जाना है और वहाँ पर फोल्डर में जाके आपका जो है कोई भी आपको जो है साउंड आपको ले लेना है। मान लो जैसे देखो बहुत सारे साउंड है, तो यहाँ पे मैंने जो है ऑडियो फाइल मैंने ले लिया। अब देखो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये कहीं से भी अपने फ़ोन से या कहीं से भी डाउनलोड करके आपने कहीं से भी रखा हो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपने म्यूजिक अपने डाउनलोड करके रखा है अपने कंप्यूटर में, वहाँ से आपको जो लेना है और लेके देखो इसको जो है मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे देखो, तो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगे तो इसके लिए क्या है आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करके जो साउंड है ना इसको थोड़ा सा आपको कम कर देना है, ताकि बैकग्राउंड भाई तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई हल्का हल्का ही बस बसता है ना पीछे में थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से जो है इतना हल्का सा कर दो, आपका ये जो है आवाज़ इतना ही रहेगा। अगर आपको जो है और भी कुछ ज़्यादा इसमें सीखना है या आपको यह और भी कुछ ज़्यादा समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसको और भी वीडियो में बना दूंगा। अब मुझे जो है इसको जो है मुझे एक्सपोर्ट करना है, यानी रेंडर करना है, यानी कि पूरा वीडियो को जो है अपने जो है फोल्डर में सेव करना है, ताकि इस वीडियो को मैं कहीं भी अपने यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, कोई भी ऐप हो, वहाँ पे मुझे इसको डाल सकूँ। तो उसके लिए क्या है कुछ सेटिंग्स बताऊँगा, वो भी ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है, थोड़ा सा बचा है ध्यान से देख लो। यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में आपको जो है क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपके ऑप्शन आ जाएंगे, 3GP, MP3 और क्या क्या। तो आपको जो है हमेशा MP4 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो नाम आप देना चाहते हो, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे मान लो जो है मैं अपना ही नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया, मैं इस नाम से मैं इस वीडियो को मैं सेव करना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे कहाँ पे सेव करना चाहते हो, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, या फिर डाउनलोड में, या फिर डेस्कटॉप में, जहाँ चाहते हो वहाँ पे इसको आराम से सेव कर सकते हो। तो मैं डेस्कटॉप में क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा। देखो इस नाम से फोल्डर है, यहाँ पे सेव होगा, ये फुल HD में होगा, 25 FPS में इसका फ्रेम रेट होगा, साइज जो है इसका 700 MB का ये साइज होगा ये, और ये जो है 9 मिनट 40 सेकंड की ये वीडियो है, अभी आपको ये दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट में क्लिक। अब आप जैसे ही एक्सपोर्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारी 10 मिनट की वीडियो है, ये 10 मिनट की वीडियो यहाँ पे दिखाएगा कि 5 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये जो है इसको बनने में आपको जो है दिखा रहा है। तो ये जो कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद इसको मैं जो है कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमको इसको जो है एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद ये आपके जो है फोल्डर में आ जाएगा, ये इस तरह से देखो, ये जैसे मैंने ये दिखाया है कि ये सब जो बेसिक चीजें हैं यही सी 99% यही चीज आप जो भी कोई वीडियो एडिटिंग करोगे तो बेसिक यही चीज ज्यादातर काम आता है। तो इस तरह से आपका वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।